चुनाव आया, विपक्ष में झगड़ा लाया। आप बोलेंगे कि ये क्या खबर है, चुनाव आते हैं और चुनाव दर चुनाव विपक्षी गठबंधन में तनाव बढ़ जाता है, टकराव का सिलसिला शुरू हो जाता है। और इस बार तो एक साथ चार चार मोर्चे पर जोरदार टकराव दिख रहा है। महाराष्ट्र में पहले से ही महाविकास आघाड़ी करीब करीब 70 सीटों पर मामला सुलझाने में लगी हुई है, जो अटका हुआ है। लेकिन इसी बीच समाजवादी पार्टी ने भी 12 सीटों वाले डिमांड की लिस्ट अपनी सामने रख दी है। और झारखंड में तो मुद्दा सम्मान तक पहुंच गया है, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल कह रही है कि झारखंड में हमें सम्मानजनक सीट चाहिए। उधर यूपी में कहानी बहुत आगे निकल गई है, 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और अखिलेश यादव की पार्टी ने 7 सीट पर अपने कैंडिडेट का ऐलान कर भी दिया है। अब 2 सीट वाले ऑफर पर कांग्रेस बेहद नाराज हो गई है और सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस इस चुनाव से किनारा भी कर सकती है, क्योंकि कांग्रेस इससे ज्यादा सीटें की उम्मीद कर रही थी। कांग्रेस को लगता है कि उनके बलबूते पर सपा ने यूपी में इतना बेहतरीन प्रदर्शन किया है। तो आज विपक्ष में मचे घमासान पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस, चुनाव दर चुनाव जारी है टकराव। महाराष्ट्र में अखिलेश यादव नाराज, झारखंड में तेजस्वी यादव नाराज, उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी नाराज। चुनावी राज्यों में विपक्षी गठबंधन का हाल ऐसा है कि सब साथ साथ हैं, लेकिन सीट बंटवारे पर दो दो हाथ वाला खेल भी खुलकर हो रहा है। आरजेडी चाहती है कि झारखंड में जेएमएम उसे सम्मानजनक सीटें दे। पार्टी ने 22 सीटों पर दावेदारी भी ठोक दी है। एक रेस्पेक्टेबल सीट होना चाहिए। अगर हमसे कहा जाए कि आप 3 या 4 पे लड़िए, तो ये तो उसी तरह की बात हुई कि बीजेपी के खिलाफ जो सबसे ज्यादा प्रतिबद्ध है उसको कहो गला काट करके थाली में रख दो। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने 66 कैंडिडेट 68 में से घोषित कर दिए। हमारा AJSU, LJP, JDU, बीजेपी का अलायंस बन चुका है, सीट शेयरिंग तय है। अब RJD को लगा है कि ये उनकी एपिक बेइज्जती की गई है। महाराष्ट्र में तो मामला और गंभीर है। उद्धव गुट, शरद गुट और कांग्रेस में तो सीटों पर पेच फंसा ही है। इसी बीच समाजवादी पार्टी ने भी 12 सीटों पर दावा ठोक दिया है। पार्टी के बड़े नेता अबू आजमी इशारों इशारों में कांग्रेस पर तंज कस रहे हैं और कह रहे हैं कि कहीं महाराष्ट्र में भी हरियाणा वाला हाल न हो जाए। हरियाणा में जो हारे हैं उन्हें गलती नहीं दोहरानी है। महाविकास आघाड़ी में MVA में समाजवादी पार्टी ने 12 सीटें मांगी हैं। और उत्तर प्रदेश उपचुनाव में तो बात इतनी बिगड़ गई कि कांग्रेस और सपा के बीच दरार खुल कर दिख रही है। सूत्रों के अनुसार समाजवादी पार्टी 9 में से केवल 2 सीट कांग्रेस को ऑफर कर रही है, जिससे नाराज कांग्रेस उपचुनाव से दूर रहने के विकल्प पर भी विचार कर रही है। उधर मध्य प्रदेश की बुधनी सीट पर कांग्रेस और सपा ने एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार उतार दिए हैं। तो सवाल यही है कि इंडिया गठबंधन में ऑल इज नॉट वेल। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, चुनाव दर चुनाव जारी है टकराव। तो आज इसी पर होगी बड़ी चर्चा, चुनावी तैयारी में सीटों पर मारामारी का विश्लेषण क्या है। आइए नजर डाल लेते हैं कि चुनावी तैयारी में सीटों की मारामारी क्या है। आइए नजर डाल लेते हैं महाराष्ट्र का हाल। कुल सीट 288 है, MVA में 68 सीट पर पेच फंसा हुआ है। यह बड़ा नंबर है और बहुत बड़ा नंबर है। इसी बीच समाजवादी पार्टी ने 12 सीटों की डिमांड रख दी है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि हम 12 सीटें डिजर्व करते हैं क्योंकि हमारा वोट बैंक, हमारा जनाधार अच्छा है। लेकिन एक स्ट्रैटेजी भी हो सकती है मोल भाव की कि आप यूपी में सीटें छोड़ दीजिए, हम यहां छोड़ देंगे। लेकिन फिर भी समाजवादी पार्टी का वहां जनाधार है, यानी वोट बैंक है झारखंड में। और SP ने फिर हरियाणा की हार पर कांग्रेस को चिताया भी है। झारखंड में बवाल है, कुल सीटें 81 है। मुश्किल से JMM और कांग्रेस के बीच 70 सीटों पर बात बनी है। RJD और लेफ्ट को मिलाकर 11 सीटें छोड़ी गई हैं। RJD ने 20 सीटों की लिस्ट के साथ वो मैदान में उतरी है और कहा है कि हमें रिस्पेक्टेबल नंबर मिलना चाहिए। अगर रिस्पेक्टेबल नंबर नहीं मिलेगा तो फिर इस अलायंस का कोई फायदा नहीं है। यूपी विधानसभा की मैं बात कर लेता हूं, वहां पर उपचुनाव में कुल 9 सीटें हैं। सपा ने 7 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। कांग्रेस के खाते में सिर्फ 2 सीट आई हैं और 2 भी कमजोर सीटें मानी जा रही हैं जो कांग्रेस के खाते में हैं। इससे नाराज होकर
कांग्रेस उपचुनाव से दूरी बना सकती है, ऐसा सूत्र मान रहे हैं। और एमपी में तो डायरेक्ट टकराव देखने को मिल रहा है। बुधनी सीट पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी उम्मीदवार आमने सामने हैं। और आज का बड़ा प्रश्न यह है कि जिसकी जहां मजबूत पकड़ वो वहां दिखा रहा है अकड़। ये बड़ी सीधी सी बात है और इसीलिए कई बार बवाल हो रहा है और टकराव भी हो रहा है। गौरव